परम पूज्य गुरुदेव का जीवन दर्शन और इस एक ऐतिहासिक अवसर पर यह हम सभी का परम सौभाग्य है कि एक ऐसे व्यक्तित्व हम सभी के मध्य पधारे हैं जिन्होंने स्वयं पूज्य गुरुवर का स्पर्श पाया। युवावस्था से ही जन सेवा में संवेदना के साथ जो निरंतर जुटे रहे हैं, संवेदना के उन्हीं भावों के साथ जन सरोकार को लेकर के जो भी उन्होंने कार्य किए हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं जो भी चलाई हैं, उसमें उनके शुभ भाव शुद्ध भाव कुछ ऐसे प्रकट होते हैं जैसे वो सप्त क्रांतियों के उन भावों को लेकर के जन जन की सेवा कर रहे हैं। चाहे बच्चियां हों, चाहे बालक हों, चाहे युवा हों, चाहे वृद्ध हों, सभी उम्र वर्गों के लिए और सभी के लिए निरंतर सेवारत एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका जन जन से जैसे अपना सा नाता है, सभी उन्हें अपना मानते हैं। और यही क्रम है कि चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, बड़ी भूमिकाओं में वह निरंतर दशकों से अपनी सेवाएं जन जन को देते आ रहे हैं। हम सभी यदि अपने भावों से कहें तो उन्हें देख करके उनकी विनम्रता, उनकी सहजता, उनकी सरलता और उनकी आत्मीयता से अपनापन सा अनुभव करते हैं और ऐसा लगता है कि एक गायत्री साधक कर्मयोग में निरत है जिन्हें गुरु और गायत्री का अपना सामिप्य सानिध्य प्राप्त हुआ। आज वे हमारे इस युग तीर्थ गायत्री तीर्थ की स्वर्ण जयंती में और देव संस्कृत विश्वविद्यालय में पधार रहे हैं। आप सभी के भावों के साथ अहर्निश सेवारत एक ऐसे ही हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री। तो गौशाला में गायों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिखाई दिए। चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरिद्वार दौरे पर हैं और ये तस्वीरें अभी आपको हम आपको दिखा रहे हैं, हरिद्वार से सीधी तस्वीरें हैं जहां उनकी पत्नी भी उनके साथ में मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें पहले की तस्वीरें हैं जब हरिद्वार दौरे पर वो पहुंचे और साथ ही साथ उस दौरान की ये तस्वीरें जब दौरा वो कर रहे थे और विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी वो कर रहे थे, वहाँ पर दौरा कर रहे थे और साथ ही जायजा भी वो ले रहे थे विश्वविद्यालय का। पेड़ों के पत्तों और छालों से ढका करते थे तब हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। प्राचीन और महान राष्ट्र के हम नागरिक, जो विश्व गुरु था जिसने कभी कोई विचारधारा थोपी नहीं, कोई वाद मत पंथ थोपा नहीं। मुझे कहते हो गर्व ये धरती वो धरती है जिसने कहा एकम सद विप्रा बहुधा बदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। हमारे यहां मुंडे मुंडे मंत्र भिन्न। अब आप देखिए अद्भुत देश, कोई कहता मैं साकार को मानता हूं, भगवान की मूर्ति उसी में भगवान है, भावना ऐसी प्रबल हो जाती कि उनके सामने नाचते हैं गाते हैं भगवान प्रकट हो जाते हैं। साकार को मानो, ठीक है साकार को मानो। ऐसे भी विद्वान हुए जिन्होंने कहा कि भगवान कैसे एक मूर्ति में आ सकता है, वो तो सृष्टि के कणकण में विराजमान है। हम साकार को नहीं मानते, हम तो निराकार को मानते हैं। तो क्या तुम भी ठीक हो भाई, उसमें क्या दिक्कत है? साकार को मानो तो ठीक, निराकार को मानो तो ठीक। लेकिन चार बाग जैसे महर्षि भी हुए हमारे, जिन्हें कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा हितम जीवेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतो। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके भी जी पियो। शरीर तो माटी में मिल जाएगा, पुनर्वनर्जन कुछ नहीं होता। तो उनका यार ये भी विद्वान है, जड़वादी विचारक है, इसको भी महर्षि की उपाधि दे दो, हमने ईसा की तरह सूली पे नहीं चढ़ाया। हम उस परंपरा से आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ तो बहुत बाद में बना है। हजारों साल पहले धरती ने कहा अयम निजम पराबेति गणना लघु चेतताम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा ये तेरा, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। और आगे बढ़े तो आत्मवत सर्वभूतेश, सब अपने जैसे यार।
एक ही चेतना सब में निवास करती है और मुझे गर्व ये कहते हुए ये धरती वो धरती है जिसके गांव गांव में जब हम बच्चे थे अपने गांव में रहते थे तो पंडित जी कथा करने आते थे और कथा करके कहते थे धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का क्या अद्भुत भाव है आप कल्पना कर सकते हैं धर्म की जय अधर्म का नाश और प्राणियों में सद्भावना हो केवल मनुष्य मात्र में नहीं और कल्याण विश्व का हो अद्भुत ऋषियों ने गाया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् इस धरती को प्रणाम यहां के ऋषियों को प्रणाम और जब जब ऐसा लगा फिर से नव निर्माण के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सिद्धाम्यम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे वरसे परम पूज्य गुरुदेव पधारे उनके जीवन को तो देखो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी क्रांतिकारी समाज सुधारक विद्वान पंडित ब्राह्मण परिवार में जन्मे जागीरदार लेकिन घर में काम करने वाली कोई अनुसूचित जाति की अगर कोई मां कोई बहन बीमार हो गई और घाव ऐसा हो गया वहां कीड़े भी पड़ गए गैंग्रीन जैसा तो पता लगते ही गंदी गलियों में घुस के उस मां और बहन की सेवा करने का काम श्री राम ही तो कर सकते हैं। घर में नाराजी गंगा जल के स्नान कथा के विस्तार में मैं नहीं जा रहा लेकिन बचपन से यह भाव जात पात का भेद नहीं इंसान इंसान में कैसे भेद किया जा सकता मानवीय गरिमा किसी भी परिवार में पैदा हुआ हो एक है उस भाव का बचपन में प्रकटीकरण सेवा का भाव लेकिन देश की स्वतंत्रता का भाव झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले भी जाए भले ही जाए और जब श्रीराम के हाथों झंडा छीनने की कोशिश हुई दांत में दबा लिया बेहोश हो गए पिटते पिटते लेकिन झंडा नहीं छोड़ा इसलिए श्री राम मत हो गए श्री राम संपर्क कई बार जेल गए आजादी की लड़ाई में लेकिन एक चिंता हमेशा गुरुदेव को कि आजादी तो मिल जाएगी लेकिन आजादी के बाद होगा क्या केवल आजादी पर्याप्त नहीं है राष्ट्र के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है नव निर्माण की आवश्यकता है और इसलिए फिर ये अभियान में मैं जो मानता हूं कि आजाद हो गए और दिशाहीन हो गए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण राष्ट्र का नव निर्माण सही दिशा में पुरानी नींव नया निर्माण ये करना पड़ेगा जिसके लिए लोग चाहिए और लोग कैसे चाहिए देशभक्त चरित्रवान ईमानदार परिश्रमी परोपकारी केवल अपने लिए नहीं देश और समाज के सेवा करने वाले लोग चाहिए राष्ट्र महान कैसे बनेगा जब व्यक्ति ठीक होंगे और इसलिए व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया को परम पूज्य गुरुदेव ने प्रारंभ किया और हम में से कितने बदल गए कितने बन गए एक नहीं अनेकों हम
मैं तो छोटा सा था, गांव में पैदा हुआ, नर्मदा जी के तट पे मेरा गांव जैत। साधु संत परिक्रमा करने आते थे, जैसे गंगा मैया है वैसे नर्मदा मैया, मध्य प्रदेश वाले जानते होंगे, मामान के हम पूजा करते हैं, वैसे भी हमारे लिए नदियां जलवाहक आए नहीं है।